हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पबजी मोबाइल को जो है 60 FPS या फिर 120 FPS तक का जो है कैसे खेल सकते हैं, और अपना जो ग्राफिक कार्ड है अगर आपका HD सपोर्ट करता है तो फुल HD अल्ट्रा में किस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, मेरे पास में जो फ़ोन है, मेरा फ़ोन जो है वो ओप्पो का है, ओप्पो F11 Pro। तो आप देख सकते हैं ये ओप्पो का F11 Pro है, और यहाँ पर अगर मैं अपने पबजी मोबाइल की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको अपने सेटिंग में दिखा देता हूँ मेरा जो ग्राफिक कार्ड जो है। यहाँ देखिए HD है, HD में हाई है, तो मेरे को जो है HDR में जो है यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा, यानी कि HDR नहीं आ रहा है, HD में हाई में है। तो मैं किस तरह से HDR में एक्सट्रीम में जो है पबजी मोबाइल को अपने फ़ोन पे यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए जो है आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको दोस्तों, उस एप्लीकेशन को जो है आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है पबजी लाइट GTX टूल। तो यहाँ आपको दो तरह का एप्लीकेशन मिलेगा, एक जो है फ्री वाला है और दूसरा जो है लगभग 45 रुपये का जो है आपको इसका जो प्राइस पड़ेगा। तो हम जो है फ्री वाला यूज़ करेंगे, और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप फ्री वाला यूज़ कीजिए। पहले देखिए आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं, 60 FPS में आपका गेम चल रहा है या नहीं। तो सारा एक्सपीरियंस करने के बाद में आपको अगर अच्छा लगता है तभी जाके जो है आप 45 रुपीज़ दे के इसका जो है प्रो वर्जन ले सकते हैं। और इसमें जो है बहुत सारे, इसमें कुछ फीचर जो है कम देता है मिलता है, और उसमें जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी मिल जाएगा। तो पहले जो है हम फ्री वाला यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब दोस्तों, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इस GFX टूल को आप अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ जो है नो बैन लो नो लैग का यहाँ दिया है, यानी कि इससे जो है आपका पबजी अकाउंट भी बैन नहीं होगा। तो चलिए, हमारा जो GFX टूल इंस्टॉल हो चुका है, अब जो है हम इसको ओपन करेंगे। इसमें जो है कुछ सेटिंग वगैरह करना है, तो सारा सेटिंग जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट इंग्लिश, अब नेक्स्ट करते जाना है, अब यहाँ से अलाउ कर देना है, यहाँ से ओके। अब दोस्तों, यहाँ से जो है गेम वेरियंट में जाएंगे, यहाँ से जो है हमारा ग्लोबल जो है वो पहला वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद में रेजोल्यूशन में जाएंगे। तो रेजोल्यूशन में आपका फ़ोन क्या सपोर्ट करता है, कैसा है, उस हिसाब से रखिए। मैं जो है चलिए यहाँ पर HD फॉर्मेट कर देता हूँ। इसके बाद में नीचे में रिस्टोर का ऑप्शन आएगा, आपने अगर कोई गलत सेटिंग किया है तो आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद में ग्राफिक का ऑप्शन है, तो ग्राफिक्स में आप यहाँ HDR HD सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा HD सपोर्ट है तो मेरे को HDR करना है, तो ग्राफिक में HDR में रखा हूँ। यहाँ पर SPF जो है आपको 20 से लेके 120 तक का मिलेगा। तो आपका फ़ोन का जो परफॉर्मेंस के ऊपर में कैसा सपोर्ट करेगा, तो सारा चीज़ का ऊपर जो है आप यहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है 60 FPS सिलेक्ट करता हूँ। तो आपका अगर फ़ोन ज़्यादा रैम का नहीं है, कम रैम का है, तो आप जो है 40 FPS से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों स्टाइल का ऑप्शन आएगा, तो स्टाइल में आप जो है क्लासिक, कलर, रियलिस्टिक, सॉफ्ट, मूवी, ये सारा जो है रख सकते हैं। मैं जो है क्लासिक में ही रख देता हूँ। और उसके बाद में आपको शेडो का ऑप्शन आएगा, तो इसको इनेबल कर देना है, और एंटी अलाइजमेंट इसको भी आपको इनेबल कर देना है। इसके बाद में दोस्तों पोटैटो ग्राफिक्स का ऑप्शन आएगा, तो इसको भी आपको इनेबल कर देना है। और उसके बाद में सिंपल शेडर जो है डेमो, इसको भी ऑन कर दीजिए 3D ग्राफिक्स रेंडर के लिए। और एनहेंस साउंड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, वरना मत कीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ से सेफ मोड में है, आपको जो है ये सारा चीज़ में कोई छेड़खानी नहीं करना है। और वो प्लस वर्जन इसको नहीं, तो बस आपको जो है इतना सेटिंग वगैरह जो है कर लेना है, और यहाँ पर जो है आपका सेटिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद में दोस्तों आपको डायरेक्ट पबजी मोबाइल जो है उसको ओपन नहीं करना, आप यहाँ से जो है इसको अप्लाई कर देंगे और यहाँ से जो है रन गेम करेंगे, यानी कि इस ऐप के बाद जो है आपको यहीं से ही आपको पबजी गेम जो है मोबाइल जो है उसको खेलना है। उससे जो है आप इसमें जो भी सेटिंग करेंगे वो सारा चीज़ जो है आपके पबजी गेम में देखने को मिलेगा। आप अगर डायरेक्ट पबजी गेम ओपन करेंगे तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी जो है मैं आपको इसमें का सारा ग्राफिक कार्ड वगैरह जो है आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है अपना पबजी मोबाइल गेम वो चालू हो गया है, और अब जो है यहाँ पर मैं सेटिंग में जाता हूँ, और यहाँ से जो है हम ग्राफिक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ अब HDR का में आ गया है, और एक्सट्रीम का ऑप्शन भी आ गया है, यानी कि हम अपने पबजी को जो है HDR तक एक्सटेंड कर सकते हैं और एक्सट्रीम में भी खेल सकते हैं। तो चलिए हम जो है कुछ एक गेम इसमें प्ले करके देख लेते हैं।
अब दोस्तों मैं यहाँ से जो है आपको दोनों ही गेम का जो है दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो है हम लॉबी में देख लेते हैं ट्रेनिंग सेंटर। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप जो है पहले में और अब में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है। पहले हम खेल रहे थे HD में और अब जो है हम HDR में जो है एक्सट्रीम में खेल रहे हैं। तो काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट इसमें यहाँ जो आपको नज़र देखने को मिलेगा। तो यही खासियत है, आप जो है काफ़ी मतलब 60 FPS या 120 FPS के साथ भी आप खेल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका डिवाइस कितना मतलब नया है, कितना रैम है। 4GB से अगर 4GB या उससे ज़्यादा का रैम है तो आप जो है 160 FPS पे भी खेल सकते हैं। Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And I.